सावन माह की शुरुआत नहीं हुई है, परंतु भक्त कांवड़ लेकर महाकाल ज्योतिर्लिंग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को महाकाल मंदिर में देखने को मिला। यहां कोलकाता के दो श्रद्धालु ट्रेन से ओंकारेश्वर पहुंचे। इसके बाद कांवड़ लेकर करीब 160 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर महाकाल मंदिर पहुंचे। ये दूरी पैदल 9 दिनों में पूरी की गई है। वैसे इस यात्रा में कुल 12 दिन लगे हैं। यहां महाकाल ज्योतिर्लिंग में जल अर्पित किया गया। पैदल यात्रा के कारण श्रद्धालुओं के पैरों में छाले साफ दिखाई दे रहे हैं। जय श्री महाकाल, जय मां नर्मदा की। तीन दिन ट्रेन पे आए, फिर वो खंडवा में उतर के बस में आके फिर वो ओंकारेश्वर में उतर के महाकालेश्वर में पैदल आए। 12 दिन 10 दिन हो गए। लगभग कितने किलोमीटर दूर की? 155-160 किलोमीटर दोनों ही आए। ये हम लोग का कांवड़ है, ये हम लोग का कलशी है। ये जो कांवड़ है लगभग कितना वजन होगा इसमें? और इसका वजन है 40-45 केजी। कितने दिन की यात्रा थी आपकी? हम लोग आज लेके 9 दिन हो गए। घर से निकल ले 3 दिन, मतलब पैदल आ रहे 9 दिन।